हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक यूनिक नेम सिंबल आप कैसे बना सकते हो। तो उससे पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज मैं आपको बता देता हूँ आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस इसमें। तो यहाँ पर मैं अपने प्ले स्टोर पर आ जाता हूँ और प्ले स्टोर पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है फैंसी टैक्स सैम्बल। तो आप जैसे यहाँ पे इतना सर्च करोगे उसके बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला एप्लीकेशन जो है आपको ये वाला यूज़ करना है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है गाइस, आप प्ले स्टोर से इसको बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और अब मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन बता देता हूँ यहाँ पे वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे सर्च कर देना है IPA। जैसे ही आप IPA लिख के सर्च करोगे गाइस आपके सामने आ जाएगा ऊपर वाले फर्स्ट नंबर पे IPA कीबोर्ड। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा गाइस, ये वाला कीबोर्ड है जो आपको यूज़ करना है अपना फेसबुक यूनिक सिंबल बनाने के लिए। ये दो कीबोर्ड हैं गाइस आपके बहुत काम आने वाले हैं, आप किसी भी तरीके का यूनिक सिंबल बना सकते हो फेसबुक ID के लिए। तो सिंपली अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, मैंने ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं तो आप इसको बहुत आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको सैम्पल बनाने कैसे। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे फैंसी टैक्स सैम्पल को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा गाइस। नीचे की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है फैंसी टैक्स। यहाँ पे गाइस मैं एक आपको एक नाम का सैम्पल क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ही नाम का यहाँ पे एक सैम्पल बना लेता हूँ गाइस, और आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे सैम्पल कैसे बना रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे सैम्पल बना रहा हूँ गाइस, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे सैम्पल बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है गाइस अरवाज़ अली के नाम का, मैं यहाँ पे आपको सैम्पल बना के दिखाने वाला हूँ गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो नाम है वो मैंने यहाँ पे कर लिया है, जो मुझे नाम बनाना था। उसके बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पे क्या नाम है जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही जनरेट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आ जाएंगे। तो आपको जो मर्जी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये वाला ज़्यादा बेस्ट लग रहा है तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे IPA कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जो मैंने आपको दूसरा कीबोर्ड बताया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना IPA कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया है गाइस। और IPA कीबोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे इस नाम को हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की साइड आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सैम्पल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। तो आपको यहाँ पे सैम्पल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे गाइस उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और आपने अभी वहाँ से जो नाम कॉपी किया है उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे वो अपना नाम पेस्ट कर दिया गाइस। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको जो है सैम्पल बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको अब दिखा देता हूँ यहाँ से आप जिस मर्जी का अपना सैम्पल बना सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ जो मेरे को सैम्पल बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सैम्पल बनाने वाली, तो कहाँ से क्या उठाना है गाइस यहाँ पे मैं बस वही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मैंने ये जैसे कि सेट कर लिया है। और उसके बाद अब मैं आपको और दिखाने वाला हूँ क्या मुझे यहाँ पे क्या क्या लगाना है। मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना गाइस, वरना आपके समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। फिर आप बोलोगे कि भाई मेरे से सैम्पल बन नहीं रहा, और बन गया तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। बहुत से भाई होते हैं सैम्पल बना लेते हैं लेकिन उनसे एक्सेप्ट नहीं होता। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लाइव जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ये लगा देनी है। जैसे इसको लगाओगे उसके बाद आपको ये चौकोर वाला लगा देना है। तो आप जैसे ही इसको लगाओगे गाइस तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे लास्ट वाले नाम में आ जाना है, यहाँ पे भी आपको सेम ऐसे ही कर देना है। और आप देख सकते हो ये जो मेरा सैम्पल है वो